कि ये 14 जो अक्टूबर है हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अख्तियार किया था करीब 5 लाख लोगों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में, और आज भी वहाँ पर इस अवसर पर हर वर्ष जो है हमने बात पूरा देश सभी हमारे समाज के बुद्धिस्ट जो परिवार हमारे वहाँ इकट्ठा होते हैं। हमारी ये कोशिश थी कि 14 अक्टूबर को इसका रजिस्ट्रेशन करके इसका भूमि पूजन करके समाज को समर्पित कर दिया जाए, लेकिन इसमें हम समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा अभी विलम्ब हुआ है। करीब अब हमारे LIC जो परिवार है उसने करीब 4 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन इसमें अभी जो डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जो ये अब चल रहा है, इसमें हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के जो हमारे भाई और बहन हैं पूरे देश से उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 4 करोड़ का सहयोग अभी इसमें हो पाया, क्योंकि इसकी रजिस्ट्री के लिए करीब 6 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास की आवश्यकता है। तो अभी 2 करोड़ रुपए का 2 करोड़ 10 लाख रुपए की जो कमी है हमारे साथियों ने कहा है कि हम निश्चित रूप से एक जल्दी से जल्दी इसको पूरा करेंगे, और अभी हमने इसकी रजिस्ट्री को थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाने का एक अपना मतलब ये है कि हमारा फैसला हुआ है। कितने करोड़ का है? देखिए ये जमीन 5 करोड़ 65 लाख रुपए की ये जमीन है, इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस यानी सरकार के चार्जेस म्यूटेशन चार्जेस सारा मिला करके 6 करोड़ 10 लाख के आसपास का ये जब रजिस्ट्री होगी तो इसमें टोटल 6 करोड़ 10 लाख रुपया खर्चा आएगा। और उसके बाद में जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा जिसमें बेसमेंट भी हम बनवा रहे हैं, उसमें हम जो ग्राउंड फ्लोर पर बौद्ध विहार बनवा रहे हैं, उसमें एक मेडिकल सेंटर बना रहे हैं, उसमें एक मीडिया सेंटर बना रहे हैं, उसके ऊपर 4 मंजिल पे हम लोग एक देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए गेस्ट हाउस, और जो हमारे समाज के गरीब बच्चे गांव में अभी पढ़ने में उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनके साधन हैं, उनके लिए एक हम हॉस्टल बना रहे हैं। उसके साथ साथ एक फ्लोर पर हम लोग जो है अपना कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएंगे, इसमें हमारे समाज के लोग बैठकर अपनी बातचीत कर सकें, और एक फ्लोर पर हम IAS का मेडिकल का इंजीनियरिंग का एक सेंटर हम उसमें स्थापित करेंगे। तो ये संभवतः जो इसकी लागत आएगी वो 25 करोड़ के आसपास आनी चाहिए, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पर जो हम लोग जमीन परचेज का जो हमारा अभी कार्यक्रम चल रहा है उसमें जैसा मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि हमने जो अभी सहयोग लिया है खाली LIC परिवार से, भारतीय जीवन बीमा निगम की जो हमारे भाई बहन पूरे देश में काम कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो केरला में है, चाहे वो राजकोट में है, चाहे वो महाराष्ट्र में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो हमारे साथी काम कर रहे हैं, भाई बहन काम कर रहे हैं, उन लोगों ने अपना ये दान भेजा है, और ये करीब अब तक संगठन के पास में करीब 4 करोड़ रुपए का इसमें अनुदान आया। हम सोच रहे थे कि ये 6 करोड़ के आसपास हो जाएगा, तो इसमें 2 करोड़ रुपए की अभी कमी है, और इसको हमें पूरा विश्वास है कि बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद हमको मिलेगा, और उनके नाम पर जो एक घर बन रहा है निश्चित रूप से इस घर को बनाने में हम लोग कामयाब होंगे, और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि दिसंबर 2021 तक निश्चित रूप से हम इसकी रजिस्ट्री करा करके और इसमें कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर देंगे। तो रजिस्ट्री होने के बाद ही हमारा अनुमान था कि हम लोग 14 अक्टूबर जो एक डेट दी गई थी कि 14 अक्टूबर को रजिस्ट्री इसकी हो जाएगी और 14 अक्टूबर को ही इसका भूमि पूजन होगा, और उसी दिन फिर हम आगे इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन क्योंकि रजिस्ट्री में थोड़ा विलम्ब हुआ है, इस विलम्ब को ध्यान में रख करके ये जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है और ये रजिस्ट्री जो होनी है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, और कल भी हमने नेशनल दस्तक को हमने अपना साक्षात्कार दिया था, उन्होंने भी अपील की थी समाज के लोगों से, क्योंकि ये पहली बार समाज के सहयोग से समाज के लिए एक ऐसी जगह बन रही है जो समाज की हमेशा काम आएगी, समाज हमेशा इसे याद रखेगा, समाज के गरीब बच्चे इसमें रहकर पढ़ेंगे, IAS की कोचिंग लेंगे, इंजीनियरिंग की कोचिंग लेंगे, मेडिकल की कोचिंग लेंगे, हर साल कुछ बच्चे IAS बनेंगे, कुछ IPS बनेंगे, कुछ इंजीनियरिंग में जाएंगे, कुछ मेडिकल में जाएंगे, और जो लोग हमारे दिल्ली आएंगे उन लोगों के रहने की जगह हम लोग जो अभी पहले हमने बताया कि उन लोगों के लिए गेस्ट हाउस की सुविधा भी हम एक फ्लोर पर कर रहे हैं जिससे हमारे लोग आएँ और रुकें, साथ साथ ये है कि कॉन्फ्रेंस करें, वहाँ पर बैठकर समाज की चर्चा हो, वहाँ पर एक लोगों को बच्चों को कैडर दिया जाए, वहाँ पर पिछले कोविड के चलते हमने देखा कि एक मेडिकल सेंटर भी अगर अपना हो जहाँ हमारे लोग इमरजेंसी में आकर के अपना इलाज करा सकें, और साथ साथ मीडिया आज की जो हमारे समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, तो हम लोग एक फ्लोर पर मीडिया सेंटर बना करके समाज के दुखों को समस्याओं को सामाजिक गतिविधियों को देश और विदेश तक पहुँचाने की हमारी कोशिश रहेगी।